नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे हमारा यह वीडियो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हमें बात करनी है आखिर ग्रुप 4 एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, आधार क्या होंगे। ईएसबी ने पिछले कुछ महीनों में काफी सारे एग्जाम्स कराए, जिस प्रकार से ईएसबी ने उनका रिजल्ट जारी किया, जैसे कि पटवारी का एग्जाम, दोस्तों बहुत सारे कई गुने ज्यादा फॉर्म भरे थे पटवारी में ग्रुप 4 की तुलना में। फिर भी ईएसबी के द्वारा 2 महीने के आसपास का समय लिया उसका रिजल्ट जारी करने में, उसकी तुलना में ग्रुप 4 में काफी कम फॉर्म फिल किए हैं। फिर भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आपके लिए पूरे अगस्त माह का इंतजार करना पड़ सकता है। अगस्त के लास्ट वीक से लेकर 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। मैंने यह वीडियो क्यों बनाई, वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप दिन भर अपने दिमाग में है बातें ना लाएं कब रिजल्ट आएगा। आप खुद जानते हैं इस बात को कि एक निर्धारित समय रिजल्ट को आने में लगेगा। यदि आप उस निर्धारित समय में इसी बात को सोचते रहते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो यह आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके या मेरे या किसी के भी सोचने से रिजल्ट जारी नहीं किए जाते। रिजल्ट अपनी तय समय सीमा में पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए जारी किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ज्यादा चिंतित नहीं होना है रिजल्ट को लेके। आपको पूरे अगस्त माह का इंतजार करना पड़ सकता है, तो 1 महीने तो कम से कम अपने दिमाग को फ्री रखें। आपने अपना एग्जाम दिया, अपने कर्तव्य पूरा किया, अब जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। अप्रैल अगस्त के लास्ट वीक और सेप्टेम्बर 15 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, उसके पहले कोई संभावना नहीं है, तो ज्यादा आपको विचार नहीं करना। काफी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों 1.5 से 2 महीने के आसपास यहाँ भी समय लग सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से इस बात को क्लियर कर दिया जाए, ताकि आप द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलें और अपने आने वाले एग्जाम में पूरे फोकस के साथ जुट जाएं। तो दोस्तों बस यही चर्चा इस वीडियो में आपसे करनी थी। आपको लगातार बने रहना है, मेहनत करते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।